10 लैक्स ऑलमोस्ट यार है बस। इसके उस तरफ वाली जो फूड स्ट्रीट है इसके अपोजिट ही है, वो आपको सिर्फ उस गेट से बाहर, जिस गेट से हम इन हुए थे उसी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये इनकी मैकिंग हो रही है, बहुत हाई लेवल की मैकिंग। अस्सलामुअलैकुम गाइड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइड्स आज हम जा रहे हैं फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए लाहौर की। अभी हम आए हैं मैडम, इधर से चल के टिकट से कर लेते हैं, इधर वीडियो बनाना वैसे अलाउ नहीं होता है, तो एक्सप्लोर करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको। ट्रेन आ चुकी है उस्ताद, टिकट है हमारे पास, हमने उतरना है इधर अनारकली पे। ठीक है, इधर से हमें दोस्त आ रहा है, क्वेटा का दोस्त है, वो पकड़ेगा हमें और फिर हम जाएंगे आगे। ये स्टॉप आ गया, अभी हम पहुंच चुके हैं अनारकली के मेट्रो स्टेशन के बाहर। बस दोस्त आ रहा है तो उसके साथ जाएंगे, एक दोस्त आ रहा है, कज़न आ रहा है, तो भाई मेरे हैं साथ, ये जाएंगे। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है पावा, ये है जीटी यूनिवर्सिटी, और ये जो सामने मीनार नज़र आ रहा है ये है दाता दरबार। मेन लोकेशन पे घर लिया हुआ है उस्ताद ने, क्वेटा वाले भी लाहौर आ गए। एक फूड स्ट्रीट है ये, जो कि उसका गेट इस तरफ है और दूसरी है आपकी इस तरफ सामने, इसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन हम चेक करते हैं इस तरफ या इस तरफ जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक ट्राई करेंगे, या दोनों कोशिश करेंगे दोनों कवर करेंगे, अगर दोनों नहीं हुई तो इन दोनों में से एक ट्राई करेंगे जो ज़्यादा बेटर होगी। और ये है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ये शाही किला है और मीनार पाकिस्तान है, उसकी बिल्कुल ठीक बैक साइड पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। ये बैक साइड का गेट है, ये आप मीनार चेक करें, ये इधर लोग फैमिलीज बैठी हुई हैं और सामने भी है ये, ठीक है, ये एक इस गेट से एंटर होते हैं, चेक करते हैं। वैसे इधर ये इस तरफ ज़्यादा फूड स्ट्रीट है और इस तरफ रश का ज़्यादा, इस तरफ वाला विज़िट करवाते हैं। ये सामने है आपकी बादशाही मस्जिद, अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार, एंड इस तरफ आपका शाही किला, ये हम आए थे इसके बैक पिछले गेट से, ये इसका पिछला गेट है। अभी चल के फूड स्ट्रीट भी इसी तरफ थी जिन्हें मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, उस तरफ चल के एक्सप्लोर करते हैं। इस तरफ से मैं आपको लेके आया था, ये गेट था, ये गेट से इस तरफ जाना है, ये सामने सारी फूड स्ट्रीट्स हैं एंड रेस्टोरेंट्स हैं, और इधर आपको रेजिडेंस भी मिल सकती है आई गेस इस फॉर टूरिस्ट। चलो इस तरफ चलते हैं, वैसे इनकी सिटिंग बहुत अच्छी है ना अजमल साहब, क्या कहते हैं आप सर? बहुत ज़्यादा अच्छी है एस्थेटिक, ये एस्थेटिक सच में, पीछे व्यू है लेकिन इनका व्यू तो कम्प्लीटली ब्लॉक है। ये इधर खाने शाने बन रहे हैं, आगे चल के चेक करते हैं। वैसे गाइड्स मैं आपको एक बात बता दूं, गाइड्स ये जो जगह है ना इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हम सिर्फ ये यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने आए हैं, ठीक है, ये देखें, लेकिन हम आपको ले के जाएंगे इससे उस तरफ वाली जो फूड स्ट्रीट थी वो, हाँ इधर स्टॉप करते हैं हम, लड़कियाँ हैं इधर, ठीक है, बच्चियाँ हैं, रिस्पेक्ट द वुमेन, गजब टू बी आजाद। तो ये सीन है, कौन सी, हाँ जो हवेली रेस्टोरेंट है जो कि अपने व्यू की वजह से मशहूर है, वो सामने है आपका, आपका महफिल रेस्टोरेंट, ये आप चेक करें, ठीक है, ये फेमस है इसीलिए क्योंकि इसका व्यू आता है आपका पीछे की तरफ से, ये है आपका हवेली रेस्टोरेंट, ये नाम लिखा हुआ है, लेट्स गो। लेकिन एक रिकमेंडेशन है, वो ये है कि आप इस फूड स्ट्रीट में ना ही खाएं तो बेहतर है, बिकॉज ये जितनी भी फूड स्ट्रीट है दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इसके उस तरफ वाली जो फूड स्ट्रीट है इसके अपोजिट ही है, वो आपको सिर्फ उस गेट से बाहर, जिस गेट से हम इन हुए थे उसी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और उधर जाके आप वो ट्राई करें, दैट वुड बी मच बेटर एंड ग्रेट, लेट्स गो। सही हो गया, ये हवेली रेस्टोरेंट, अभी इधर से देखें क्लियर व्यू आ रहा है, ये इसका, ये मोस्ट एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि इधर से इसका जो व्यू आता है सारे पैसे इस व्यू के हैं, ये पीछे आपका व्यू आ रहा है इसी के सारे पैसे होते हैं इसमें। तो चलें अब नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं।
पहुंचे हैं मशहूर जमाना पंजाब आए, ठीक है, और हमारे साथ है आरिफ चटकारा। ये दो जो पॉइंट्स हैं बहुत फेमस हैं, ठीक है, ये बहुत फेमस हैं, इनका भी ट्राई करेंगे। इनका तो अभी रात हो चुकी है, आई डोंट थिंक इनके पास होगा भी, अगर होगा भी तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्राई, ठीक है। और ये हम आए हैं सेम इस लोकेशन से, ये हमारे जो बादशाही मस्जिद की बैक साइड है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको लोकेशन दी है, वो गली ले के आपने इस तरफ आना, ये एंड होगी और ये है इधर से, इधर से इसकी इनकी फूड स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है। ये इनकी मैकिंग हो रही है, यहाँ बहुत हाई लेवल की मैकिंग, ये बहुत फेमस है। ये आपका तवा फ्राई है, ये देखें लेग्स ऑलमोस्ट तैयार है, बस इधर से आपकी रेडी होके अंदर लगेंगे। ये इनकी रेडी हो रहा है जिस तरीके से वो चल रहा है, खुशबू इतनी आ रही है। अभी मैं केक खा के आया हूँ और भूख लगने लग गई है, यकीन मानो बहुत हैवी तरीके से उनकी जो है ना कुकिंग हो रही है। क्या चीज़ ब्लॉग में लानी है, ये इनकी एक स्पेशल चीज़ है डिश में, ये आप देखें फोकस करें, ये इधर आपको नज़र आ रही नहीं आएगी आपको नज़र, इधर बैठा हुआ बिजनेस कुछ नहीं होता, नहीं ऐसे ऐसे खाने का मजा, इन खाने का मजा इसी की वजह से होता है जितना गलीज उतना लज, क्या कह रहे हैं जितना गलीज उतना लज। साहब की लोकेशन है यार चटकारा के बिल्कुल साथ ही, ये पहले इसमें डालने लगे हैं बर्फ, ठीक है, आइस क्यूब। ये ओरिजिनल सेवन अप है या कोई और है, ये जो बोतल है ओरिजिनल सेवन अप है, ठीक हो गया। और साथ में इसमें आ रहा है हमारे पास पुदीना, और साथ में हमारे पास है लीमू, लीमू हम इस तरीके से डालेंगे इसमें, रस रस बन रही है, और साथ में है हमारे पास इसके चीनी है ये, और ये है काला नमक, वो हमारे पास का रियल टेस्ट है, सही है, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।